सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर चीज के पीछे मत भागो, बस एक चीज में मन लगाकर उसे पूरा करो। अक्सर लोग जुए की तरह जिंदगी को समझने लगते हैं, पर जुए में सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतता है। लोग कुछ नई चीजें देखकर उसके पीछे तो भागते हैं, पर सफल धैर्यवान व्यक्ति ही होता है। कभी कभार प्रकृति का भी आनंद उठाएं, काम तो हर वक्त होते रहेंगे। आज का पंचांग 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:25 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 11:33 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:45 से 3:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर शाम 5:12 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। इस राशि के जातक कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे। अपने टारगेट को सेट करके काम करें। आज के दिन बाहर जाने के लिए सही है। क्रिएटिविटी से काम कर सकते हैं। ऑफिस में कुछ चैलेंज करने का आपका मन हो सकता है। अपने काम और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना चाहिए। सफेद रंग आज आपके लिए लकी रहेगा। इस समय आप अपने आसपास के लोगों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और अधिक सहज महसूस कर रहे हैं। आपको कुछ अनावश्यक वित्तीय योजना बनाने की भी आवश्यकता है। अभी उन चीजों को निजी ही रखें जिन्हें आप किसी से भी बांटना नहीं चाहते और अपनी असुरक्षा को किसी अन्य के साथ साझा ना करें। व्यवसाय से संबंधित लोगों को कुछ विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें खुशियां साझा करने से भी कम नहीं होती। किसी अन्य को अभी उतना अच्छा महसूस कर रहे जितना आप महसूस करते हैं। उत्तम समय है कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामला चल रहा है तो आज उसका समाधान मिलेगा, जिसकी वजह से मानसिक सुकून रहेगा। किसी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात द्वारा आपको अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। कई कामों के लिए गहराई से विचार करने से सकारात्मक बातों को भी नकारात्मक नजरिए से देखेंगे। आप अपने स्वभाव के कारण खुद के लिए समस्या ना बढ़ें। हर एक काम वक्त पर पूरा हो इस बात का ध्यान रखना होगा। गलत बातों पर ध्यान देने से आपका नुकसान हो सकता है। करियर में बदलाव करने के लिए प्रयत्न जारी रखें। तुरंत अपेक्षा के अनुसार अवसर मिलना कठिन है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। पार्टनर के साथ कठोर बर्ताव करने से बचें। एक दूसरे की गलतियों को माफ करें। आज के दिन भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और मान सम्मान में अच्छी बढ़ोतरी भी होगी। आज आप सांसारिक सुख सुविधाओं के साधनों पर कुछ खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने आय और व्यय दोनों में संतुलन बनाकर चलना होगा। खुद का बिजनेस करने वालों को मोटा मुनाफा होगा और अटके धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आज नए अवसर प्राप्त होंगे जिसमें जन सहयोग भी बढ़ेगा। शाम को आप किसी विशेष समारोह में शामिल हो सकते हैं जिसमें किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। वित्तीय योजना और रणनीति के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त दिन भी है। इस समय आप अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे विषयों के बारे में बातचीत खोलने पर भी यह एक अच्छा समय है जिनके बारे में आप लंबे समय से बात करना चाहते थे। आप बड़े पैमाने पर आर्थिक मुद्दों को भी संभालें। दोस्त प्यार या मनोरंजन सब प्यार से ही संभव है, लेकिन इन सब से आप खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि खुशी कभी साझा करने से कम नहीं होती, इसीलिए दूसरों से अपने दिल की बात करने से पीछे न हटें। सावधानियां, कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है संबंधों के लिए नुकसानदायक रहेगी। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का प्रयोग न करें तथा अपने गुस्से और आवेश पर कंट्रोल रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की।
परिवार में सुख शांति रहेगी, प्रेम प्रसंग स्थापित होंगे, परंतु इस बात का भी ध्यान रखिए कि इनका असर आपके करियर और पढ़ाई पर ना पड़े। अगर हाल ही में आपको किसी दोस्त ने प्रस्ताव दिया है तो अच्छी तरह सोचें। जल्दी ना करें क्योंकि यह रिश्ता आपके लिए एकाक आया है। अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय मांगने में कोई हर्ष नहीं है। घर परिवार में सुखद वातावरण भी देखा जाएगा। सभी सदस्य घर परिवार में एक दूसरे का सहयोग करते देखे जाएंगे। आज आप अपने बच्चों के भविष्य और विवाह से जुड़े कुछ खास फैसले भी ले सकते हैं। इसमें आपको अपने जीवन साथी और माता पिता की सलाह की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आज अपने करीबी दोस्तों से वाद विवाद करने से बचे, वरना आपको नुकसान हो सकता है। बात करते हैं करियर की। आज के दिन नौकरी पेशा और व्यापारिक दोनों के लिए ही बहुत शानदार रहने वाला है। आज आपको रोजगार की दिशा में बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को आज ऐसा महसूस होगा कि आज का दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नई नौकरी मिल सकती है। हालांकि इस नौकरी के जो लोग कमीशन आधारित काम करते हैं या साझेदारी वाले काम करते हैं, उनके कामों में साधारण कारोबार होती देखी जाएगी। साथ ही आज नौकरी पेशे वर्ग में बॉस के साथ अच्छे संबंधों का लाभ कुछ कर्मचारियों को मिलता देखा जाएगा। आप दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं के अनुरूप काम करेंगे। वित्तीय निवेश की योजना बनाए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें और अपने प्यार के रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। संचार और वार्तालाप इस समय आपके लिए सकारात्मक और आकर्षक हैं, इसीलिए इसका फायदा उठाएं। दोस्ताना रिश्ते, रोमांटिक अफेयर्स और शारीरिक सुख अभी आपकी प्राथमिकता है। अपने विचारों और दिल की बातों को दबाएं नहीं, अपितु अपने साथी को अपनी बात स्पष्टता से बताएं। बात करने से ही बात बनेगी। बिजनेस बढ़ाने की योजना बनेगी और काफी हद तक सफलता मिलेगी। अपनी गतिविधियों को किसी से शेयर न करें। शेयर्स तथा स्टॉक मार्केट में बहुत ही सावधानी से पैसा निवेश करें तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। कुछ समय प्रकृति के साथ भी जरूर लगाएं। इसी प्रकार के मानसिक तनाव की स्थिति भी देखी जा सकती है। खुद पर ज्यादा हावी ना होने दें, वरना आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए आज मेडिटेशन करने की कोशिश करें, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। आज का उपाय, आज नारायण कवच का पाठ करें, आपको लाभ होगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।